तो भाई आज के दिन शब्द नहीं है। नहीं नहीं सच में आज के दिन भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है। अभी देखो लगभग रात के 4 कह लें या फिर सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या मैच देख लिया। दो पल के लिए मैं लगभग 3-4 घंटे पहले गाली दे रहा था कि यार मैच होगा या नहीं होगा, मतलब कल के दिन हुआ नहीं, इतना बेसब्री से इंतजार करके बैठे हैं कि अब तो मैच देखना है, अब कोई नाटक ना हो। लेकिन उसके बाद चेन्नई के सामने टारगेट रखा जाता है 15 ओवर में 171 रन का। लगता है कि चेन्नई इस मैच को जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि गुजरात के पास इस आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग थी, मोहम्मद शमी पर्पल कैप, राशिद खान सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, मोहित शर्मा थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर, इनके सामने 15 ओवर में आईपीएल फाइनल में 171 रन बना लेना कोई मजाक है क्या? और चेन्नई के पास प्लेयर जरूर अच्छे हैं, बैट्समैन जरूर अच्छे हैं, लेकिन सभी के सभी हिटर नहीं है। सब कहीं ना कहीं एक डिसेंट पारी खेलना चाहते हैं, लेकिन टीम में कोई बहुत बड़े पावर हिटर नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत शिवम दुबे यहां पे छक्के लगा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा सब जैसा मैंने कहा कि ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन देते हैं, पर जरूरत पड़ने पे 15 ओवर में 171 रन मार लेना ये तो किसी भी टीम के बस की नहीं थी, महान से महान बल्लेबाजों के बस की नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि कोई भी टीम महान होती नहीं है, उसको महान बनाना पड़ता है। और वो महानता कैसे आती है? टीम के एनवायरमेंट से, टीम की वाइब से, टीम के कप्तान से, टीम के मैनेजमेंट से और टीम के ओहदे से। और सीएसके जानती है कि उसको सीएसके यूं ही नहीं कहते, उसको आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टीम यूं ही नहीं कहते। अब चाहे टारगेट जितना भी बड़ा हो भैया, बनाना तो पड़ेगा। चाहे बारिश हो गई है, चाहे 5 ओवर घट गए हैं, लेकिन साला बनाना तो पड़ेगा। और सीएसके के एक एक बैट्समैन ने कल कहा बनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए बनाएंगे। भले इंपॉसिबल है, भले बहुत मुश्किल है, भले ही सामने वाली टीम के पास आईपीएल के तीनों बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन फिर भी साला बनाएंगे तो बनाएंगे। और उसके बाद एक एक करके चाहे गायकवाड़ हो गए, चाहे कॉनवे हो गए, चाहे शिवम दुबे हो गए, चाहे रहाणे हो गए, चाहे आपके रायडू हो गए और चाहे आपके जडेजा हो गए, सब ने मिलकर कहा आज तो साला मारेंगे, चाहे जितना टारगेट हो बना के रहेंगे, क्योंकि ये आईपीएल तो जीतनी है। हो सकता है ये एमएस धोनी की आखिरी आईपीएल हो, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि रायडू की आखिरी आईपीएल है, और रायडू को भी मायूस होकर तो जाने नहीं देंगे। इवन कल के मैच में तो रायडू ने भी कहा कि भले ही लोगों ने हमें इस आईपीएल में बहुत ताने दिए, भले ही बहुत बार लोगों ने कहा कि रायडू को बाहर करो, रायडू क्या करेगा, लेकिन भाई जो मोमेंटम कल के मैच में आखिरी के ओवर में जो बंदा लेके आया ना, वो थे अंबाती रायडू। बात सही है। वरना कल के मैच में जब मोहित शर्मा ने अपना स्पेल डालना शुरू कर दिया था और उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए थे, शिवम दुबे बड़े शॉट्स खेल नहीं पा रहे थे, तब रायडू कहते हैं आज मौका है साबित करना है उन लोगों को जिन्होंने मुझ पे सवाल खड़े किए हैं, आज आखिरी मैच में बताना है कि मैं कोई औंगा पौंगा प्लेयर नहीं था, मैंने 9 से 10 से 12 साल इस आईपीएल को दिए हैं, मैंने ना जाने अपनी अलग अलग टीमों के लिए कितने टाइटल जीते हैं, वो बस यूं ही नहीं आए थे, उन मैचों में मैंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, मैंने क्रूशियल मैचेस में रन मारे थे। और आज जब चेन्नई का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मैच है, आज जब चेन्नई का ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट है, यहां तो रन मारने ही पड़ेंगे। और उसके बाद वो मैच के सबसे डिफिकल्ट बॉलर मोहित शर्मा को पहले छक्का जड़ते हैं, फिर चौका जड़ते हैं और फिर दोबारा ये बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही आला एक और छक्का जड़ते हैं। और उस समय जो चेन्नई का रिक्वायर्ड पहुंच चुका होता है वो 15 बॉल पे मात्र 22 रन पे आ चुका होता है। यहां से सभी को लग रहा होता है कि ये मैच तो चेन्नई का हो गया है, लेकिन उसके बाद अगली 10 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं, चाहे जडेजा मौजूद होते हैं, चाहे दुबे मौजूद होते हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं आ रही होती है। मोहम्मद शमी एक बहुत ही शानदार ओवर फेंक के चले जाते हैं और उसके बाद मोहित शर्मा अपने ओवर की पहली 4 बॉल पे मात्र 3 ही रन देते हैं, तब लगता है कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन कौन पिच पे था? सर रविंद्र जडेजा। उसने कहा कि मेरे नाम के आगे ये जो सर दिया है ना धोनी ने, ये यूं ही नहीं दिया है, ये मजाक के लिए नहीं लगाया जाता है, कुछ करा है मैंने पास्ट में, इसलिए ये आगे मेरे लगाया जाता है। और कल जडेजा ने ये बता दिया कि क्यों मेरे नाम के आगे सर लगा था। फिर आखिरी 2 बॉलों पे आईपीएल 2023 के सबसे डिफिकल्ट डेथ बॉलर को वो पहले छक्का लगाते हैं और फिर जाके चौका लगाते हैं। जैसे ही मोहित शर्मा को पहला छक्का पड़ता है तो मोहित शर्मा के हाथ भी कांपने लगते हैं,
उनका जो अंतर मन है अंदर ही अंदर उनको ये बताने लगता है कि भाई जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई ओंगा पोंगा प्लेयर नहीं है, तुम हो गए आईपीएल 2023 के बेस्ट डेथ बॉलर, लेकिन सामने खड़े हैं सर रविंद्र जडेजा। मोहित शर्मा ने वो पहली 5 बॉल एकदम बिल्कुल डिक्टो पॉइंट पे डाली थी, इवन जिस पे छक्का भी पड़ा था वो भी बॉल बहुत अच्छी थी, उसी मोहित शर्मा का जडेजा के सामने हाल बेहाल हो जाता है। वो मोहित शर्मा की ही जो लाइन एंड लेंथ है पूरे तरीके से हिल जाती है और उसके बाद जडेजा ये बता देते हैं कि क्यों उन्हें सर रविंद्र जडेजा का नाम दिया गया था। और जैसी वो चेन्नई को जिताते हैं तो दौड़ के वो उसी के पास जाते हैं जिसने उसको सर का नाम दिया था, जो कि थे नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। और उसके बाद हमें आईपीएल हिस्ट्री का, सिर्फ आईपीएल 2023 का नहीं बल्कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है, सबसे खूबसूरत मोमेंट देखने को मिलता है, जब खुद थाला महेंद्र सिंह धोनी जडेजा को अपनी गोद में उठा लेते हैं, खुशी से वो झूम रहे होते हैं। और आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि जब जडेजा असल में कल का मैच खत्म करते हैं ना तो धोनी कुछ देर के लिए एकदम मौन एकदम पत्थर बन के बैठे हुए होते हैं, चेन्नई जीत चुकी होती है, सारे जो प्लेयर्स होते हैं दौड़ के मैदान की तरफ भाग चुके होते हैं, लेकिन धोनी जो होते हैं अपनी पलकों को झुकाए एकदम शांत होते हैं, मानो अंदर ही अंदर वो खुशी को समाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ मैं मैच जीत चुका हूं, 2 बॉल पहले मुझे लगा तो था कि ये मैच मैं नहीं जीत सकता, लेकिन अब मुझको ये यकीन हो रहा है कि सर रविंद्र जडेजा ने काम कर दिया है, उसने 5वीं बार CSK को विजेता बना दिया है। और यही रीजन था कि हमें एक और खूबसूरत मोमेंट ये देखने को मिलता है कि जैसे ही MS धोनी को ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है तो वो सबसे पहले रायडू को बुलाते हैं, क्योंकि रायडू ने जो भी आईपीएल के लिए किया है जो भी CSK के लिए किया है उनका हक बनता था, ऐसा धोनी को लगता था कि उनका हक बनता था कि उनसे पहले वो ट्रॉफी लें। और सेम टाइम पे धोनी जो हैं जडेजा को बुलाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि आज अगर उन आखिरी 2 बॉलों पे वहां पे अगर सर जडेजा नहीं होते तो ये जो ट्रॉफी धोनी उठा रहे हैं वो कभी उठा ही नहीं सकते। आपने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि धोनी ने काफी देर तक ट्रॉफी को छुआ तक नहीं था जब तक रायडू और जडेजा ने पहले ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया, एक बार उन्होंने हल्का सा छू लिया तो धोनी ने भी थोड़ा छू लिया, कह रहे ठीक है भैया अब आप लोग एंजॉय करिए, हमको तो आदत है, हम पहले टिकट कलेक्टर हुआ करते थे और क्रिकेट में आने के बाद से ट्रॉफी कलेक्टर हो गए। और देखो भाई कहीं ना कहीं कल के मैच ने वापस से इस चीज को साबित कर दिया कि धोनी के अंदर कोई बात तो है, मतलब भले ही बल्ले से कुछ खास आईपीएल ना रही हो, भले उन्होंने बल्ले से कुछ ज्यादा खेला भी नहीं है और अक्सर मैचेस में आके आखिरी में ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है, बाकी 20 ओवर कीपिंग तो करते ही हैं, अब कल के मैच में जो गिल का विकेट गिरा है ना भाई, इस आईपीएल का कोई भी विकेट कीपर उस बॉल पे गिल को स्टंप्स नहीं कर सकता था, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं कर सकता था। इवन अगर आपने कल के मैच को पूरा लाइव देखा होगा तो दुबे की भी एक स्टंपिंग छोड़ी गई थी, और सच में बता रहा हूं अगर उस बॉल पे भी विकेट के पीछे MS धोनी होते तो शिवम दुबे वहां पे स्टंप्स हो गए होते। उसी तरीके से भाई मात्र 0.12 सेकंड में शुभमन गिल को जिस तरीके से आउट करा गया और कोई कीपर नहीं कर सकता था, तो MS धोनी 42 की एज में भी जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वापस से चेन्नई को जो ट्रॉफी जिताए जा रहे हैं वो बार बार इस चीज को साबित करते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कैप्टेंसी मैटर नहीं करती, कैप्टन के होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, धोनी कहते हैं फर्क पड़ता है। मैं कभी इस बात को बोलूंगा नहीं, ऐसा धोनी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि धोनी कहते हैं कि मैं कभी इस बात को बोलूंगा नहीं, भले ही धोनी ने भी ये बात नहीं कही है, बस मैं धोनी की तरफ से ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं कभी इस बात को बोलूंगा नहीं, लेकिन बार बार हर बार लगातार मैं इस बात को प्रूव करता रहूंगा कि कैप्टेंसी से फर्क पड़ता है। वरना क्यों CSK जीत रही है, क्या है CSK के पास, मोस्ट ऑफ द ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं है, आपके पथिराना हो गए दीक्षाना हो गए ये सब कौन है, 20-21 साल के लड़के, पथिराना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच खेल रखा है, उसके बाद तुषार देशपांडे कौन है, क्या किया है, ठीक ठाक विकेट चटके हैं, जरूरत पड़ने पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन यही देशपांडे अगर किसी और टीम में होते क्या वो उस टीम को अपनी बॉलिंग से मैचेस जिता पाते, क्या वो अपनी बॉलिंग से उनको ट्रॉफी जिता पाते, नहीं जिता पाते। अरे मैं तो लिख के दे रहा हूं 3-4 मैच खराब जाते देशपांडे के, उनको बाहर कर दिया जाता, लेकिन चेन्नई ने नहीं किया। उसके बाद शिवम दुबे को उठा के देख लीजिए, उस बंदे ने जितने रन अपने पूरे आईपीएल करियर में नहीं मारे थे अकेले इस सीजन में मार दिए। उसके बाद रायडू को देखिए, रहाणे को देखिए, जिस तरीके से कल के दिन वो अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं लिख के दे रहा हूं अगर ये दोनों लोग किसी भी टीम में होते तो रहाणे को तो खिलाया तक नहीं जाता और रायडू के शुरुआती कुछ मैचेस जैसे गए थे ना अभी तक टीम से बाहर कर दिया होता, और अगर रायडू को पहले बाहर कर दिया गया होता तो कल का मैच CSK क्या कोई भी और टीम होती जीत ही नहीं सकती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी देखो कुल मिला के मैं एक ही बात कहना
कहना चाहूंगा कि आईपीएल 2023 आईपीएल इतिहास की बेस्ट आईपीएल रही है, इस बात में कोई शक नहीं है भाई। और सिर्फ इसलिए नहीं कि चेन्नई आईपीएल जीत गई है, अगर आप इस आईपीएल के लीग मैचेस को उठा के देखें एकदम क्लोज चले, आखिरी मैच तक डिसाइडेड नहीं था कि कौन प्लेऑफ में जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके बाद प्लेऑफ के मैचेस एकदम सेक्सी रहे और आखिर में जाके भाई इतना क्लोज फाइनल आज तक कभी भी तुमने आईपीएल हिस्ट्री में देखा है? थोड़े बहुत हुए होंगे लेकिन इतना क्लोज कि आखिरी दो बॉल पे जब 10 रन चाहिए हो तो लग रहा है कि दूसरी टीम जीत गई है लेकिन आखिरी बॉल पे कोई दूसरी ही टीम वहां पे जीत के जा रही है। क्या कभी इससे पहले हुआ है कि 15 ओवर के अंदर इतना बड़ा टारगेट चेस हो जाए? भाई आईपीएल हिस्ट्री में तो सिर्फ एक बार 200 का टारगेट चेस हुआ है, उसमें भी जो टारगेट था वो एग्जैक्ट 200 का था, ना एक रन ऊपर ना एक रन नीचे। लेकिन कल के मैच में चेन्नई ने तो 15 ओवर में जहां 171 का टारगेट चेस कर दिया, तो भाई 200 भी होता ना तो मजाक बना के रख देते। खैर जो भी कहो भाई, मजा आ गया। मतलब जो दिन था ना भाई कल का, ये 2023 का मेरा बेस्ट दिन था, मैं बहुत खुश था। कुछ लोग कहेंगे भैया तुम चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए तुम खुश हो गए, बाकी लोग जो हैं वो शायद इतना खुश ना हो। तो देखो भाई, चेन्नई को सपोर्ट करना ना करना ये बात की बात है, पर एमएस धोनी खुश होते हैं ना तो खुशी होती है। इसलिए होती है कि भाई एमएस धोनी ने जो भी इंडिया के लिए किया है उनकी खुशी देख के एक अंदर ही अंदर सुकून मिल रहा होता है। और इस सुकून को हम सिर्फ अगर खुशी का नाम दे दें, ये थोड़ा सा छोटा टर्म होगा, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में यही कहता हूं कि भाई सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे मैच को देख के जब सोने जाते हैं ना, आह मस्त नींद आती है भाई, कसम से दिल जो होता है भाई एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। और सच में भाई यही दिन है जो भाई मरते दम तक हमें याद रहेंगे, जब अंतिम भैया समय चल रहा होगा यही सोच के खुश हो रहे होंगे कि वाह भाई उस दिन क्या मैच देखा था, जब जडेजा ने आखिरी दो बॉल में पहले छक्का लगाया था फिर चौका लगाया था, फिर वो दौड़ के जाके धोनी के पास गए थे और उसके बाद धोनी ने खुशी के मारे उनको अपने गोद में उठा लिया था और उसके बाद ट्रॉफी देने के लिए राइडू को बुलाया था, जडेजा को बुलाया था, कहा आप उठाइए ज्यादा हक आपका बनता है। और उसके बाद धोनी हर बार की तरह एक कोने में जाते हैं और कहीं शून्य में जाके गुम हो जाते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि जिस बंदे ने पांचवीं बार फिर से अपनी टीम को ये ट्रॉफी जिता दी है आखिर वो कहां है, क्या कर रहा है। किसी कोने में फोन में बात कर रहे होते हैं, किसी कोने में ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं, तो किसी कोने में लोगों के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, तो किसी कोने में बस यूं ही जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे बात कर रहे होते हैं। यही एमएस धोनी है, यही उनकी कहानी है। वो कहते हैं ना कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, और बार बार कहते हैं कि आज मैं हूं कल मेरी जगह कोई और आएगा। और उसके बाद एक बहुत ही तगड़ा मीम चलता है जो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं लिख के दे रहा हूं, धोनी भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का आईपीएल 2023 के बारे में क्या कहना है? क्या आपके हिसाब से भी आईपीएल 2023 आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट आईपीएल थी? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक दीजिएगा, और आज भैया जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा भैया हमको भी खुश करो, जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।